हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ भरवा बैंगन की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए बैंगन मीडियम साइज़ के 5 से 6। स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए तेल 1 बड़ा चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, जीरा 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, एक मीडियम साइज़ के प्याज का हम पेस्ट बना लेते हैं, सौंफ का पाउडर 1 चम्मच, हींग 1 चुटकी, गरम मसाला 1/2 चम्मच और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। पकाने के लिए हमें चाहिए तेल 1 चम्मच, तैयार की हुई स्टफिंग, जीरा 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, नमक अगर ज़रूरत है तो, नींबू का रस 1 चम्मच, हरी मिर्च 2 और प्याज 1 मीडियम साइज़ का। भरवा बैंगन बनाने के लिए हम छोटे साइज़ के या फिर मीडियम साइज़ के बैंगन यूज़ करते हैं। भरते वाला बैंगन हम भरवा बैंगन बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले बैंगन को अच्छी तरह से धोकर और पोंछकर साफ़ कर लें। इसके बाद में इसके ऊपर का सिरा निकाल देते हैं और इसमें हम वर्टिकल स्लिट्स थोड़ा गहरा करके डाल देते हैं, जिससे कि मसाला भरने में आसानी रहे। सारे बैंगन को हम इसी तरह से वर्टिकली स्लिट कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में हम 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लेते हैं। तेल जब मीडियम गरम हो जाता है तब हम इसमें डालते हैं मेथी दाना और जीरा। इन मसालों को हम हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब हम इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच प्याज का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा पकने देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं सौंफ का पाउडर, हींग, गरम मसाला और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक मिला लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इस मसाले को तब तक पकने देते हैं जब तक कि मसाले पर तेल अलग से दिखने लगता है। ये मसाला अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो चुका है। इसे एक प्लेट में निकालकर हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि स्टफिंग में आसानी हो। मसाला जब ठंडा हो जाता है तब उसे हम इस तरह से बैंगन के स्लिट्स में अच्छी तरह से भर देते हैं। तो हरी मिर्च लेकर उसे वर्टिकली स्लिट करके उसमें भी हम मसाला भर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो हरी मिर्च को ऐसे ही काटकर भी डाल सकते हैं, बट मसाले और भरे हुए हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब एक प्याज को हम बड़े टुकड़ों में काटकर इस तरह से तैयार कर लेते हैं। अब एक पैन में हम 1 चम्मच तेल गरम कर लेते हैं। तेल जब मीडियम गरम हो जाता है तब हम इसमें डालते हैं जीरा, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं और अब हम इसमें मसाला भरे हुए बैंगन को डाल देते हैं। साथ ही इसमें हम प्याज और हरी मिर्च भी डाल देंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अगर मसाला बचा हुआ है तो उसे भी साथ ही में मिला लेते हैं। अब हम इस पर डालते हैं नींबू का रस और अब बैंगन को हम एकदम लो फ्लेम्स पर पकने के लिए, बैंगन को हम ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। बैंगन को एकदम लो फ्लेम्स पर हम पकाते हैं। अगर फ्लेम्स मीडियम हाई या हाई रहेगा तो बैंगन ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बैंगन को अच्छी तरह से पकाने के लिए हमें फ्लेम्स को एकदम लो रखना चाहिए और इसे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। इसे अच्छी तरह से पकने दें और जब बैंगन चम्मच से अच्छी तरह से दबने लगे और उसे आसानी से काट सकें तब बैंगन बिल्कुल तैयार है। बैंगन को इस स्टेज तक पकने के लिए 10 मिनट के आसपास लग जाते हैं। भरवा बैंगन बिल्कुल तैयार है। इसे हम पराठा या पूरी या चपाती के साथ में सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी भरवा बैंगन बनाने की आसान सी रेसिपी। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लीव अ थम्स अप, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।